Everyone, welcome back to the Computer Technology channel, guys. Again, I'm continue with my uh, Internet Technology playlist. This is my 23rd lecture, uh, 23rd lecture on Internet Technology. Today, I'm again continue the uh, types of Internet connectivity. In my last video lecture, I had explained two types of Internet connectivity. That is the cable uh, connectivity, and the second one is the satellite connectivity. Now, uh, in this video lecture, I am discussing some more internet connectivities and the hardware and software requirements of the internet connectivity. Okay, guys, so, let's start. First of all, what is dial-up connectivity? It's the cheapest. Cheapest mathlap is sasti connectivity hoti hai, and slow. Sasti yeto slow hoogi internet connectivity in this type of connectivity. इस टाइप की कनेक्टिविटी में वी यूज एनालॉग सिग्नल ये चीज गाइस यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है इस टाइप की कनेक्टिविटी में हम लोग एनालॉग सिग्नल इन लैंडलाइन टेलीफोन लैंडलाइन फोन का इस्तेमाल करेंगे जहाँ पे डायलप नाम आ जाता है वहाँ पे आपको लैंडलाइन फोन का ही इस्तेमाल करना है लैंडलाइन फोन का जो एनालॉग सिग्नल होता है उसको डिजिटल में कन्वर्ट किया जाता है बाय यूजिंग द मॉडम यूज ऑफ मॉडर्म्स टू कन्वर्ट एनॉलॉग सिग्नल टू डिजिटल सिग्नल क्रिएट इंटरनेट कनेक्शन इन कंप्यूटर्स लैपटॉप एंड टैबलेट्स एक्सेट्रा आपने सिंपल याद रखना है जो डायलप कनेक्टिविटी होती है दि, आ, दिस इज द चीपेस्ट सबसे सस्ती कनेक्टिविटी होती है स्लो होती है इसमें आप लैंडलाइन फोन का इस्तेमाल करते हैं इंटरनेट कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए लैंडलाइन फोन से आपका जो एनालॉग सिग्नल है वो डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट होता है बाय यूजिंग द मॉडेम्स एंड वी कैन एलिजिबल टू एक्सेस इंटरनेट कनेक्शन इन अवर कंप्यूटर्स लैपटॉप्स टैबलेट्स एसेट्रा ओके गाइस नेक्स्ट टाइप ऑफ कनेक्टिविटी इज वायरलेस और फाइबर कनेक्टिविटी इट्स अ वायरलेस मॉडर्न इंटरनेट कनेक्शन विच यूज वायरलेस फ्रिक्वेंसीज टू डिलीवर इंटरनेट कनेक्शन टू द यूजर वायरलेस नाम से स्पेसिफाइड है इट्स अ वायरलेस मॉडर्न इंटरनेट कनेक्शन वायरलेस मॉडर्न टाइप का इंटरनेट कनेक्शन है विच यूज वायरलेस फ्रिक्वेंसीज इसमें वायरलेस फ्रीक्वेंसीज यूज की जाती हैं, टू डिलीवर इंटरनेट कनेक्शन टू द यूजर ओके गाइज अब हम बात करते हैं नेक्स्ट है आपके पास नेक्स्ट जो तो वो जो हमने सारा डिस्कस किया दैट इज द इंटरनेट कनेक्टिविटी टाइप्स अब हम लेते हैं आई के बारे में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इंटरनेट कनेक्शन इज नॉट सक्सेसफुल विदाउट इंटरनेट कनेक्टिविटी के सारे जो मीडियम्स है वो आपके पास है जैसा मैंने आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में भी बताया था लेकिन हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन भी तो होना चाहिए इंटरनेट कनेक्शन आपको कहां से मिलेगा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से बिकॉज दे आर द सोर्स ऑफ इंटरनेट सर्विसेज क्योंकि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स क्या हैं इंटरनेट सर्विसेज के सोर्सेस हैं स्पीड ऑफ इंटरनेट इज डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ सर्विस प्रोवाइडर इंटरनेट की जो स्पीड है वो डिपेंड करती है कि आपने कौन से टाइप का कनेक्शन लिया है जैसे आपको पता है मार्केट में बहुत सारे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं लाइक रिलायंस है आइडिया like है बी एस एन एल है ठीक है जियो है ठीक है तो स्पीड जिसकी अच्छी होगी हम उसी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से सर्विसेज लेते हैं ठीक है गाइज कौन कौन से मेन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं हमारे इंडिया में वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन जो टॉप टेन है दैट आई हैड डिस्कस इन माई वीडियो लेक्चर्स यू कैन फाइंड गो टू द प्ले लिस्ट ऑफ इंटरनेट टेक्नोलॉजी एंड फाइंड द वीडियो लेक्चर ऑफ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर दैट आई हैड क्रिएटेड ओके गाइज देन नेक्स्ट आपका है नेक्स्ट हम बात करते हैं एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे देखिए कुछ एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के एग्जाम्पल मैंने लिए हैं स्पेक्ट्रम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या होता है कई बार इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चन आ आ जाते हैं दिस टाइप ऑफ इंटरनेट कनेक्टिविटी यूज ऑफ केबल्स इसमें केबल्स यूज होती हैं विद नेट स्पीड ऑफ हंड्रेड एम बी पी एस टू नाइन फोर्टी एम बी पी एस एम बी पी एस मतलब मेगा पर सेकेंड मेगाबाइट्स पर सेकेंड तो आपको ये क्वेश्चन बन सकता है कि स्पेक्टर स्पेक्ट्रम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर में किस चीज का इस्तेमाल होता है दैट इज केबल्स एंड व्हाट इज द इंटरनेट स्पीड ऑफ स्पेक्ट्रम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर 100 एमबीपीएस टू 940 एमबीपीएस राइट देन एफ आई ओ एस एफ आई ओ एस इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर दिस टाइप ऑफ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यूज ऑफ वायरलेस और फाइबर कनेक्शन इसमें यूज होता है ये चीज यहां पे इंपॉर्टेंट है विद स्पीड ऑफ स्पीड कितनी है हंड्रेड एमबीपीएस ओके देन नेक्स्ट है हगेज नेट सर्विस प्रोवाइडर इट्स सेटेलाइट कनेक्टिविटी विद स्पीड ऑफ ट्वेंटी फाइव एम बी पी एस ओके आपके पास है तो ये हो गया ऑल अबाउट द आई एस पी प्रोवाइडर्स देन कनेक्शन डिवाइसेस वे यूज वेरियस कनेक्शन डिवाइसेस लाइक कंप्यूटर लैपटॉप स्मार्टफोन वॉचेस टैबलेट्स ठीक है ये सारे डिवाइसेस जो हैं जिनमें इंटरनेट आपका एक्सेस होता है अब हम बात करते हैं हार्डवेयर डिवाइसेस यूज इन इंटरनेट कनेक्शन कौन कौन से हार्डवेयर डिवाइसेस हैं जो इंटरनेट कनेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल बॉडम सेकेंड वन इज रूटर देन नेटवर्क इंटरफेस कार्ड मॉडम के बारे में डिटेल में आपको बताऊंगी किस तरह से मॉडम काम करता है कौन कौन से uh, किस तरह से उसको कन्फिगर किया जाता है वो बहुत ही अलग से उसका एक वीडियो बनाना पड़ेगा दैट आई विल डिस्कस इन माई आई होप कि इन माई ला सॉरी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर रूटर के बारे में आई हैड एक्सप्लेन मी इन माई वीडियोज सो यू कैन फाइंड फ्रॉम द इंटरनेट टेक्नोलॉजी प्ले लिस्ट नेटवर्क इंटरफेस के बारे में कार्ड के बारे में भी अलग से टॉपिक बनेगा दैट आई विल डिस्कस इन माय नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स ओके गाइस तो तब तक के लिए जस्ट आपने नाम याद रखना कि कौन कौन से हार्डवेयर डिवाइसेस जो हैं वो इंटरनेट कनेक्शन के लिए इस्तेमाल होते हैं मॉडम रूटर इंटरफेस कार्ड और उनके अलावा बहुत सारे डिवाइसेस के लिस्ट एक मैंने क्रिएट की है उसके ऊपर एक अलग से वीडियो मैंने क्रिएट किया है कि कौन कौन से हार्डवेयर डिवाइसेस जो हैं वो इंटरनेट कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं आप मेरे इंटरनेट टेक्नोलॉजी वाली प्लेलिस्ट में जाइए वहां से आपको वो वीडियो मिल जाएगा ठीक है देन हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट आपको पता ही है कंप्यूटर के फील्ड में है आप लोग तो हार्डवेयर आपका तब तक काम नहीं करेगा का, जब तक उससे रिलेटेड सॉफ्टवेयर आपके पीसी या आपके लैपटॉप या आपकी वॉच में नहीं होगा तो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट फॉर इंटरनेट कनेक्शन ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल सॉफ्टवेयर दिस इज द टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर विच यहाँ पे सी लगना था विच अनेबल्स अस टू ट्रांसफर डाटा जो हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है कि हम डाटा को ट्रांसफर कर सकते हैं फ्रॉम वन यूजर टू अनदर इट ऑल्सो प्रोवाइड्स रिलायबिलिटी ऑफ डाटा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का जो सॉफ्टवेयर होता है इसकी हेल्प से हम डाटा को ट्रांसफर कर सकते हैं प्लस इसमें डाटा जब ट्रांसफर होता है तो हमें ये श्योरिटी होती है कि डाटा हमारा रिलायबिलिटी होती है सिक्योरिटी होती है प्राइवेसी होती है और यानी कि जैसा डाटा आपने यहाँ से ट्रांसफर किया है एग्जैक्टली सेम डाटा आपका यूजर के पास डिलीवर होगा राइट नेक्स्ट और किस सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है हमें दैट इज डायलर सॉफ्टवेयर दिस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर यूज फॉर एस्टेब्लिश अ कनेक्शन बिटवीन यूजर एंड सर्वर यूजर और सर्वर के बीच में कनेक्शन एस्टैब्लिश करने के लिए डायलर सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है अब हम बात करते हैं वेब ब्राउजर दिस इज अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन विच वी यूज फॉर एक्सेसिंग वर्ल्ड वाइड वेब आपको पता है इंटरनेट कनेक्शन आपके पास है तो इंटरनेट कनेक्शन आप ऐसे नहीं कि डायरेक्ट कनेक्शन कनेक्शन करेंगे आपके फोन में आपके लैपटॉप में आपके पीसी में वेब ब्राउज़र इंस्टॉल्ड होना चाहिए उसी वेब ब्राउजर के थ्रू आप इंटरनेट को एक्सेस कर पाएंगे मार्केट में बहुत सारे वेब ब्राउजर हैं आप कोई सा भी डाउनलोड कर सकते हैं जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर है गूगल क्रोम है ओपेरा मिनी है ठीक है ये सारे क्या हैं आपके वेब ब्राउजर्स हैं उसके अलावा बहुत सारे होते हैं लेकिन ये कुछ एक पॉपुलर्स हैं जिनके नेम मैंने यहाँ पर किए हैं तो जब आप भी नेट कनेक्शन पूरा सब कुछ हो जाता है उसके बाद हम वेब जो चीज आप देखना चाहते हैं रेड गाइस तो आई होप कि आपको ये चीजें क्लियर होगी होंगी अगर आपकी कोई क्वारीज हैं तो प्लीज मुझे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए मेरे वीडियो लेक्चर्स को लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट गेट टू हिट द बेल आइकन एज यू नो एंड थैंक यू सो मच टेक केयर बाय बाय